सेठ मार्टिन की पुस्तक सफलता की कुंजी और उसका शीर्षक है सपने और इच्छाएं। हम सपने देखते हैं और इच्छा करते हैं। जब हम अपने से ज्यादा सुखी संपन्न किसी और व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या सी होने लगती है, हमारा मन कचोट उठता है, हम भी उसकी तरह सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। हम जब प्राप्त नहीं कर पाते तो हाथ पर हाथ रखकर परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी मनुष्य भ्रम में पड़ जाया करते हैं। उस व्यक्ति के भाग्य में सब सुख लिखा है, उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, अतएव हाथ पैर मारकर चुप हो जाते हैं। वस्तुतः इस भाग्य शब्द ने सबसे ज्यादा मनुष्य समाज को गुमराह कर रखा है। इस भाग्यवादिता ने नाना प्रकार की भ्रांतियों को बहुत गहराई तक फैला रखा है। अधिकांश मनुष्यों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो भाग्य में लिखा होता है वह अवश्य फलीभूत होकर रहता है, बिना भाग्य के कहीं कुछ नहीं होता, सुख संपत्ति सब कुछ केवल भाग्य से होता है। कई कहावतें प्रचलित हैं, वह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, भाग्य रेखा टाले नहीं टलती है, मनुष्य भाग्य का गुलाम है। इस तरह की तमाम रूढ़िवादी बातों ने आज भी अधिकांश मानव समाज को कुंठित कर रखा है। अतएव हमने सारे सपने और सारी इच्छाएं भाग्य के हाथ सौंप रखी हैं। सपना पूरा होना न होना भाग्य पर निर्भर करता है। तर्क की कसौटी पर और व्यवहार की दुनिया में भाग्य संबंधी धारणाएं एकदम झूठी पाई गई हैं। ऐसे अधिकांश व्यक्ति हैं जिनके हाथों में न भाग्य रेखा है न सूर्य रेखा, इसके बावजूद उनका जीवन बड़ा समृद्ध है, वह बहुत ख्याति प्राप्त भी हैं। बहुतों के हाथ में जीवन रेखा तक नहीं होती पर वे लंबी आयु भोगते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये सपने और इच्छाएं सफलता की कुंजी का नियम यही समाप्त होता है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। और मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए ये इधर आई बटन लगा हुआ है, इधर ये ऊपर हाँ इधर, इस पे क्लिक करके पुराने वीडियो देख सकते हैं।